मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गया। मैं 6 बजे से उठा हूँ। मैं फिर फाइनली उठ के 8 बजे बाहर आया, क्योंकि उठने का मन नहीं हो रहा था इतनी ठंडी में। यहाँ का मॉर्निंग का व्यू बहुत ही अच्छा है, बस ऐसा मन होता है कि देखता रहूँ, मतलब एक जगह चेयर लगा लूँ, वहीं बैठ के देखता रहूँ, उसके सिवा और कुछ नहीं। ऐसा यहाँ का व्यू। ये भाई सूरज भाई क्या ब्रश कर रहा बोल रहा मुझसे? है बाथरूम में जाके कर लेता, जैसे इंसान ब्रश रोड पे ही करेगा। रोड नहीं है फीलिंग है, हाँ फीलिंग है। यहाँ होटल को इतने अच्छे से सजाया ना यार, आजू बाजू जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं ना छोटे छोटे, उससे होटल और भी ब्यूटीफुल लगता है देखने में, और भी सुकून मिलता है उस जगह को। बस मन करे यहाँ पर बैठे रहो और कहीं ना जाओ, लेकिन जाना पड़ेगा बाहर थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि एक ही जगह पे यहाँ बैठा नहीं रह सकता, फर्स्ट टाइम आया हूँ इसलिए। नहीं तो फिर मैं ऐसा दूसरी बार आया होता ना, मैं बस होटल पे पड़ा रहता, बस आके इधर उधर घूमता बैठता बस, और देखता रहता यहाँ हर जगह। वीडियो दो रखू चुप्पा किसने सबसे लैला, हम मांगो जुबान से रब से कब से बच दे गया। रहा हूँ अब से तू मेरी लैला, ओ मेरी लैला। ओ भाई क्या हो गया? अभी बज चुके हैं 10, तो जाके ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो बस चुका है। चले भी चले चलो। ओए ब्रेकफास्ट तो सेतु चल पहली बार हो ले लो, गया। अपना ये सब ले लो यार पहले तुम रुक लोग। जा यार, शाहरुख आ रहा है। बस हवे शाहरुख शाहरुख देखा मम्मी, हेलीकॉप्टर कहाँ है मेरा? डाना 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 डाना। चुका हूँ तो 12 बज चुका है, लेट में लेट करते करते सबका। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे क्योंकि उन दोनों का तैयार होना बाकी है, हम दोनों तो हो गए, बाकी उन दोनों का देखते जाके। सूरज का भरोसा है वो शायद रेडी नहीं होगा, वो रेडी था क्या वैसे? हार्दिक रेडी है, पता है सूरज का नहीं होगा, जाके देख ही लेते हैं फिर निकलते हैं। उसके बाद आई थिंक हम जा रहे हैं चेल चेल जा रहे हैं कि कहीं और, वो जाके अंकल से पूछते, क्योंकि डिसाइड तो हमने चेल का ही किया था। रूम ऐसा या गंदा करके रखा ना तुम लोग ने, कौन सा ए यही है यार, सेतु कर सकते हैं सब। क्या देखो ये सब सेतु नहीं किया है। ए भाई मैं एक कपड़े सेतु, तेरा कच्चा छुपा दे, में कच्चा छुपा दे, कैमरा चालू तभी है ना। और क्या क्या था? तेरी बात में उलझा भी है जी यार, लैला को तो छुपा ही दिया इसने जो इतना छुपा है कि मिल ही नहीं रही खुद को अंडरग्राउंड हो गई भाई। ये 1500 रुपये का, तो अगर वो लेंगे हम तो आधा घंटा और बैठना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि लाइन ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारी लगी है। तो वहाँ से रिश्तेदार नहीं है, ये जाएगा साथ में अपने मनाली सेतु, धक्का मार के गिराऊंगा मैं गाड़ी से, लग नहीं रहा कि जाएगा फिर। ये दरियाई गेंडा साथ में क्यों घूम रहा है? अरे यार कुछ कुछ होता है ना चीज़ें यार, जो चिपक जाते तो चिपक जाते। हाँ स्नेल है स्नेल नहीं, वो क्या बोलते हैं, जॉक बोलते हैं ना, तो वो उसको इंग्लिश में स्नेल ही बोलते हैं। लीच नहीं, स्नेल लीच, स्नेल तो वो आते हैं जो अपने गांव में मिला था ना छोटा छोटा, तो तू स्नेल रख ले बस, चलता है तू स्नेल रख ले चल, ये लीच है खून चूसता है। क्या पसंद है? खुला तबूत। ओ कौन सा गाना चल रहा? अरे इधर आ रे पूरन,
वो मूवी कौन सी थी? भेड़िया। भेड़िया, हाँ भेड़िया मूवी में नहीं आना है? जंगल में कांड हो गया। यहाँ पे कैसा है ये? तो अच्छा, तो फिर ले ले। अच्छा होता है, माल रोड पे लेना था, इनको लिया नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कुछ अच्छा अच्छा तो है। वैसे बहुत गर्म बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं इनको लेना है कि नहीं लेना। सेतु, इसमें पूरा भालू लग रहा है। वो भी तो दरियाई गेंडा लग रहा है। अभी हम यहाँ पर रुके हैं मैगी खाने के लिए। यहाँ ग्रीन वैली का पूरा व्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छा है यार यहाँ पर। तो हमने मैगी बोल दिया है, चार लोग पाँच लोग हैं हम, उसके लिए वेट कर रहे हैं, बन रहा है। तब तक यहाँ का व्यू देख लेते हैं और घूम लेते हैं थोड़ा बहुत। क्या बोलते हो गाइड साहब? कैमरा चालू है? हाँ चालू है। हमारा भी शूट करो यार। हाँ हो रहा है। 10 साल से हम ये गाइड वाला कर रहे हैं काम। हाँ, ये कल्लू दिख रहे हो थोड़ा, इस साइड देख। कल्लू दिख रहे हैं? हाँ। ये देखिए ना आप, ग्रीनरी देखिए भैया। हाँ। मेरे को क्या दिखा रहे हैं? ये ग्रीन वैली है भाई, यहाँ मतलब जन्नत है ये। आप फील करना पड़ेगा आपको। अभी आप कैमरे में कैच कर लोगे इसको, फील नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ। देखना पड़ता है, आराम से बैठना पड़ता है, शिद्दत से। कुदरत है जी, कुदरत है। सेतु पकौड़ी खा रहा? खा लिया? ए, भालू ने पकौड़ी खा लिया। कितने का? अच्छा है वैसे खाना तुमको? मुझे खाना है। ले लो, एक प्लेट लगा दो। लाइन से इधर मैगी के दुकान है छोटे छोटे, तो यहाँ पर पकौड़ी का और आलू टिक्की का है और मैगी का, दो लाइन से मैगी का, एक आई थिंक मोमोज का भी है शायद। ऐसे जगह पर आके ना जो व्यू दिखता है ऊपर से, फिर ये मैगी खाने में मजे कुछ और है। तो उसके बाद हमने चाय भी बोला है, चाय भी पियेंगे। आने जाने का और एक जगह में 10 रुपीज गेट पास लगेगा अंदर जाने का, बाकी कोई पैसा कहीं नहीं लगेगा। क्या करें बोलो? चलो तो चल रहे और क्या थी? चले आ जाइए उधर, तो रेडी हां, तो चलो उधर आ जाओ सामने, वहां स्टैंड बना हुआ है। वहां तो वैसे भी नहीं गए थे, तो यहां पर जाके ही ठीक है। अच्छा, हम यहां नाल देरा आ चुके हैं, तो यहां से भी जाना ऊपर हमको। तो फिर हॉर्स लिया है, इस पे जाने का हम चार लोग हैं। पर पर्सन 500 रुपये बताया, एक घंटे का राइड रहेगा कंटिन्यू, एक घंटे जाने का हो तो एक घंटे का राइड। पानी का बोतल तो ले लेना तू। बैठ गया, इधर रख दो। ले बे, इधर रख दो बोतल, तो रख थोड़ा हल्का। तो काम है, सीधा रख दो ना ऐसे, ये ढक्कन टाइट है ना। हाँ टाइट है, टाइट ऐसे रख दो ऐसे। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम तो क्या नाम है भाई? जोड़ी का। हाँ जी, नीलम। अरे मेरी नीलम सर, पे कर देना आपने। हाँ कर दे, 2040। मुझे तो डर लग रहा है इसमें थोड़ा। अरे ये तो इधर उधर हो रहा है मेरे को। अबे तेरी कमर की हिल रही है भाई, कमर की कमर हिल रही है भाई। मेरी फट रही है, सच में फट रही है, बहुत गंदी वाली फट रही है मेरी तो। हाँ तो सुई धागा भी पड़ा है, सिल देंगे बाद में, टेंशन मत ले तू। अरे यार, और मेरे पास स्टेपलर है, मैं पंच भी मार सकता हूँ मैं तो। प्लीज कंटिन्यू ब्रो। बनानी है जी। दे दो फोन फिर मेरे पास, इधर में ना मेरी नीलम है भाई। फर्स्ट स्टॉप यहाँ पर है, इस जगह का नाम है मूवी पॉइंट। यहाँ पर बहुत से मूवी का शूट हुआ, आई थिंक बताया मुझे कि मिथुन की कोई मूवी है, गाने का या फिर कोई सीन ऐसा यहाँ पर शूट हुआ था, उसके बारे में बता रहे थे। अब यहाँ मैगी खाने का मूड है, मैगी खा ले उसके बाद फिर चाय। क्या जैकेट है? फोटो खिंचवाना है मेरे को, जाना बे। दे जा। स्पाइडरमैन। यहाँ मूवी स्पॉट पे एक छोटा सा दुकान है, यहाँ पर अच्छा खासा अरेंजमेंट करके रखा है बैठने के लिए। अच्छा खासा व्यू है यहाँ पर, मस्त फोटो शूट उनका चल रहा है, उन दोनों का, वो सेतु और हार्दिक का कोने में। Thank you.
यहाँ हमने अभी बहुत सारे फोटो शूट किए, सेतु ने तो अलग ही जाके फोटो शूट किया, हार्दिक परेशान हो गया यार, मेरा चार हाथ थोड़ा ना यार, तू जाके फोटो शूट नहीं होता उसको सेल्फी बोलते भाई। हम यहाँ अभी गोल्फ कोर्स के पास आ गए, यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर गोल्फ का खेलने के लिए। ये इस साइड यहाँ नाग देवता का मंदिर है लेकिन अभी बंद है। ये जो गोल्फ कोर्स है ना भैया, यहाँ पे हुआ था दीवाना का शूटिंग, वो गाना है ना ऐसी दीवानगी, शाहरुख भाई का। हाँ हाँ, वो यहीं पे शूट हुआ था, भाई का मतलब पहला मूवी था दीवाना। हाँ जी, देख लीजिए देख लीजिए, यहाँ से दौड़ के नहीं आता, ब्लू शर्ट में होगा दिव्या भारती के साथ। बाकी यहाँ से लास्ट में पीछे में थोड़ा क्लाउड है ना, धुंध छाया हुआ, यहाँ से लास्ट में आते हिमालय चाइना के पहाड़ नजर जी। फ्रंट में रहते ना बर्फ वाले पहाड़, उसके बैक में लगता है बॉर्डर वाला एरिया, पीछे को डाउन से रोड देख रहे हैं फर्स्ट पहाड़ी से। हाँ, रोड जाती है पीछे बॉर्डर के लिए जी, 1962 में निकाला गया रोड, यो जैसे नारकंडा वगैरह बंद हो जाता है ना बर्फ के टाइम में, हमारा आर्मी का लोग चलता है उस रोड से जी, रोड बंद नहीं होता, रिवर के साथ साथ से निकला हुआ आगे में जी। हाँ जी, इसमें ओनली आर्मी का लोग अलाउ करेंगे, हम पब्लिक को नहीं जाने देते। वहाँ तो यार रास्ता ऐसा ऐसा था ना कि डर लग रहा था हर जगह, अब यहाँ आके थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, बट अभी ये कार वाले डरा रहे हैं हम लोग, पीछे कार आ रही है वो सब डरा रहे हैं। ए, भालू को उतारा जा रहा है, भालू फोटोग्राफ में यहाँ से निकलते हैं, जाके रूम पे बॉन फायर करना है, कल हुआ नहीं था तो आज करनी है बॉन फायर, क्योंकि कल मिस हो गया तो बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि हिमाचल में आके ये सब नहीं किया बॉन फायर, तो फिर मतलब ही नहीं है उसका कुछ, इसलिए इस बार करना ही है। और मुझे कॉल करके वहाँ बोलना पड़ेगा कि बॉन फायर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर ले, अरेंजमेंट कर दे वो सबका। मन हुआ रास्ते में चाय पीने का तो एक अच्छी जगह पर यहाँ रोक दिया है, यहाँ पर तीन चाय का बोल दिया है, तो अंकल मैं और हार्दिक पी रहे हैं, बाकी दोनों निकल रहे हैं। शिखा बोली उसको बहुत ठंडी लग रहा है तो कार में बैठी है, और सेतु तो पीता है नहीं तो सेतु को लेने देने नहीं है चाय से। अभी हमारी चाय भी आ गई है, यह टेम्परेचर 5 डिग्री है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो जैकेट देना मुझे, तू पहनता जा रहा हूँ मुझे दे नहीं रहा है भाई। अब जाके डायरेक्ट थोड़ी देर बैठूं, फ्रेश हूं, उसके बाद बॉनफायर करना है। अभी हम जा रहे हैं बॉनफायर के लिए, तो फाइनली 8:30 हो चुका है, तो आज वो दिन है बॉनफायर करने का, क्योंकि कल हुआ नहीं था, वही बात थी। तेरा जो बॉन है उसे तोड़ के मैं फायर में डालूंगा। चला जा तो पहले बंद कर के दरवाजा। यहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हैं? और कहीं भट्टी जल रही है? बॉनफायर तो तुम्हारे लिए होता है ना, हमारे लिए तो भट्टी होती है।